जय राम जी की। यू नो व्हाट, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत है, इसीलिए मैं मंदिर रेगुलरली जाती। वेल वो बात और है कि एग्जाम टाइम में थोड़ा ज्यादा चली जाती हूँ, क्या भगवान के साथ मेरी पर्सनल सेटिंग है। मैं कितना भी टाइम पास कर लूँ ना, भगवान मुझे एंड वर्क पे पास कर ही देते हैं। लेकिन आज मेरी भक्ति अचानक जाग उठी और मैं टिप टॉप बन के मंदिर चली गई। क्या पता भगवान को भी शायद गुड लुकिंग भक्त ज्यादा पसंद आते होंगे। पर यार मंदिर में ना एक शू कीपर है जो मुझे बहुत इरिटेट करता है। उसका फेस एकदम लफंगे की तरह है और वो मुझ पे लाइन मारता है। कहता है, बेबी जी आप अपना सैंडल अब यहाँ ही रख दीजिए, मैं इसके एक पैसे भी नहीं लूंगा। साले पैसे क्यों नहीं लेगा, मैं तेरी वाइफ दिखती हूँ क्या? मन किया जूते उसके हाथ पे नहीं उसके सर पे दे मार। मंदिर में मैंने भगवान जी के साथ पूरा हाफ एन आवर बिताया, उनको बताया कि मुझे रैन पे कितना बड़ा क्रश है, अब देखना मेरी भक्ति की शक्ति मुझे प्यार में कैसे वी गति दिलाएगी। I'm actually sounding like a TV serial actress. तो पूजा होने के बाद मैं खुश होकर मंदिर के बाहर निकली, लेकिन मेरी खुशी के प्लेन की तो क्रैश लैंडिंग हो गई यार। किसी पापी ने मेरे पापा के दिए हुए नए सैंडल्स मार लिए। उस कमीने को भगवान ना कोलेरा मलेरिया हिस्टेरिया सब दे देगा। पता नहीं भगवान अपने भक्तों का इम्तिहान क्यों लेते हैं। लेकिन भगवान के घर में देर है, नंगे पैर नहीं। ये जूते ना मैंने मंदिर के बाहर गेट के पास पार्क देखे और ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, निधि प्लीज हमें अपने साथ ले जाओ। और मैंने ना कैसे कह सकती थी, मंदिर से घर नंगे पैर थोड़ी आ सकती थी। इसे कहते हैं भगवान जब देता है तो सैंडल मार के देता है।